अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशरा फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ इनोवेटिव लर्निंग। टुडे द वीडियो इज़ इंटाइटल्ड एज प्लेग्राउंड मैनर्स। दिस वीडियो इज़ बीन मेड टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश बिकॉज एज वी नो दैट इंग्लिश हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड वी आर यूजिंग लैंग्वेज एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ बिकॉज इट अलाउज पीपल टू कम्युनिकेट इन अ मैनर that enables the sharing of common ideas. So that's why the video has been made to improve your spoken English. This is the first slide that we are doing about playground manners. You can use these sentences with your friends and siblings while you are going somewhere outside or in a playground. अगर आप मुझे ये कहना चाह रहे हो कि झूलों पर एहतियात करें या ज़्यादा हाई स्विंग्स ना लें, you can say use the swing carefully, avoid high swings. और अगर आपने उनको ये कहना हो कि स्लाइड्स पे जब जाएं तो झगड़ा नहीं करें, यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस डोंट क्वारल ऑन स्लाइड्स। और अगर आप उनको ये समझाना चाह रहे हों या ये कहना चाह रहे हों कि फ्लावर बेड्स जो फूलों की क्यारियाँ होती हैं उन पे उछल कूद ना करें और प्रॉपर रास्ते से जाएँ, यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस देयर डोंट जम्प ओवर फ्लावर बेड्स, ऑलवेज यूज़ प्रॉपर पाथ। और अगर आपने ये कहना हो कि जो गमले होते हैं उनके करीब ना करें कि वो टूट भी सकते हैं, यू कैन से डोंट प्ले नियर द फ्लावर पॉट्स। और अगर आपने ये उनको कहना हो कि एक दूसरे के पीछे मत भागिए, यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस डोंट रन आफ्टर ईच अदर। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू से कि वो अगर चलते हुए या दौड़ रहे हैं तो एक दूसरे को धक्का ना दें, यू कैन से डोंट पुश अदर्स वाइल वॉकिंग और रनिंग बिकॉज आपको चोट भी लग सकती है इस तरह से। You can use these sentences as an advice also for your kids. If you want to say to the kids के वो खेलते हुए फूलों के गमलों को ना तोड़ें, you can say don't break the flower pots. And if you want to say them के वो फूलों को ना तोड़ें, you can use these sentences over there, don't pluck flowers. For example, the kids are playing and you want to say them के वो खेलते हुए बॉल के साथ एक दूसरे को हिट ना करें, you can use these sentences, don't hit others with ball. और अगर आपने बच्चों को ये समझाना हो कि खेलते हुए शाउट नहीं करें, यू कैन से टू देम डोंट शाउट और क्राई वाइल प्लेइंग। शाउट या क्राई में से कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने बच्चों को ये कहना हो कि दौड़ते हुए एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करें, यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस देयर डोंट क्लैश विद अदर्स वाइल रनिंग। बच्चे जब खेल रहे होते हैं डिफरेंट गेम्स तो दे आर मोर एक्साइटेड, तो वो एक दूसरे के साथ समटाइम्स झगड़ा कर लेते हैं। तो आपने उन्हें अगर कहना हो कि मुख्तलिफ गेम्स खेलते हुए लड़ाई नहीं करें, झगड़ा नहीं करें, यू कैन से टू देम डोंट क्वारल ऑन डिफरेंट गेम्स। और अगर आपने उनको ये समझाना हो कि खुद गर्ल्स नहीं बने, जब छोटे बच्चे साथ खेल रहे हों तो उन्हें भी खेलने के लिए बारी दें, फॉर एग्जाम्पल स्लाइड्स पे हैं या झूलों पे हैं तो बच्चों को भी खेलने दें, यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस डोंट बी सेल्फिश, गिव टर्न टू स्मॉल किड्स ऑल्सो। You can use all these sentences as instructions for the kids while they will be playing. If you want to say the kids के वो खेलते हुए एक दूसरे पे shout ना करें, you can say to them don't shout at each other के वो एक दूसरे पे चिल्लाएं नहीं। और अगर आपने ये कहना हो कि वो खेलते हुए छोटे बच्चों का ख्याल भी रखें, you can say take care of small kids while playing. And if you want to say to the kids के वो जंगली जानवरों की तरह ना खेलें या फिर भागें ना, आई नो दैट इट साउंड्स वियर्ड बट येस द किड्स आर लाइक दिस, वो खेलते हुए बिल्कुल ख्याल नहीं करते, अनकॉन्शियसली भाग रहे होते हैं। सो टेल देम दैट डोंट प्ले अ रन लाइक वाइल्ड एनिमल्स। और अगर आपने उनको ये कहना हो कि भागते हुए एक दूसरे को हिट ना करें, यू कैन से डोंट हिट ईच अदर वाइल्ड रनिंग बिकॉज इस तरह से आपको चोट भी लग सकती है, अपना ख्याल भी रखें, खेलें भी। I hope this video is going to be quite helpful to empower your spoken English and you can learn these sentences very easily. So thank you so much for watching this video. Keep on watching for more ideas and for more videos.